सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है चीला, लेकिन ये जो चीले हैं ये हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। व्हीट फ्लावर चीला है ये, तो इसलिए हो गया ना ये हेल्दी, बड़ी ही जल्दी बन जाता है। इसके लिए आपको कोई भी प्री प्रेपरेशन नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है सोनल, आप आए हैं सोनल की रसोई में, चलिए शुरू करते हैं। आटे का चीला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथों की मदद से क्रश करके फिर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, और इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। पानी की मदद से इसका एक घोल तैयार कर लीजिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो देखिए घोल की कंसिस्टेंसी किस तरीके से करनी है, पानी आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। अब ये बैटर तो रेडी है, इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और एक प्याज को बारीक काट के रखा हुआ है। हम ये चारों चीज़ें डाल देते हैं अपने बैटर में। आप चाहे तो अपने मनपसंद कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। तो इस बैटर में अब आप डाल दीजिए बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरी धनिया पत्ती और बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर ऑप्शनल है, इवन यहाँ पर सारी सब्जियाँ ही ऑप्शनल हैं। अब सब्जियों को बैटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए, और ये जो आपका बैटर है बिल्कुल रेडी है चीले बनाने के लिए। देखा दोस्तों, कोई भी प्री प्रिपरेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो चलिए अब चीले बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल को पूरा ब्रश कर दीजिए आप, और अब जब तवा थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें हम डाल देते हैं चीले का पेस्ट और इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। और ये जो चीला है ये हम धीमी आंच पर सेकेंगे, तो अच्छा क्रिस्पी बनकर निकलता है आपका चीला। ये देखिए आपका चीला एक तरफ से तो सिक गया होगा, तो आप इसे टर्न कर दीजिए और इसी तरीके से हम दोनों साइड से चीले को सेक लेंगे। दोस्तों चीला जो है थोड़ा टाइम लेता है सिकने में, अगर आप धीमी आंच में सेकेंगे या फिर मीडियम फ्लेम में सेकेंगे तो बड़ा ही क्रिस्पी बन के निकलता है ये चीला। अगर आप तेज़ आंच पर सेकेंगे तो ये जल्दी से ब्राउन तो हो जाएगा लेकिन अंदर से गिल गिला रहेगा। तो धीमी आंच में अच्छी तरीके से सेकें इसे, और इस तरीके से देखिए बिल्कुल, क्योंकि हमने नॉनस्टिक पैन में बनाया तो बिल्कुल अलग हट के आ रहा है आपका चीला। तो ये देखिए चीला बन के बिल्कुल रेडी है, इसे अब आप सर्व कीजिए। डायरेक्ट प्लेट पे मत रखिए, अगर डायरेक्ट प्लेट पे रख रहे हैं तो तुरंत खाइए, पर अगर थोड़ी देर बाद खाना है तो प्लीज़ एक वायर रैक में रखिए, उसके बाद सर्व कीजिए। सर्व कीजिए इसे टोमेटो केचप के साथ या फिर हरी धनिया टमाटर की चटनी के साथ, बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं और होता है आपका एक समटस ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।